हाय एवरीवन, सॉरी इस बार बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो है केजी के अकॉर्डिंग, मतलब मशीन कितने केजी है उसके अकॉर्डिंग कितने कपड़े डलने चाहिए, इसी पे हम बात करेंगे। ये एलजी मशीन की ही मैं बात कर रही हूँ, बाकी मशीन्स में भी यही सिस्टम होता है। जितने भी केजी है उसके अकॉर्डिंग कपड़ों की कैपेसिटी लगभग हर मशीन की सेम है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये 8 केजी की मशीन है तो इसी का बता देती हूँ पहले आपको। 8 केजी की मशीन है तो इसमें कितने कपड़े नॉर्मल वॉश पे डलने चाहिए। देखिए सिस्टम जो है वो कॉटन प्लस का थोड़ा अलग है और स्पीड 14 का थोड़ा अलग है। इनमें कपड़ों की क्वांटिटी अलग होगी। जैसे कॉटन प्लस है तो इसपे हम बेडशीट्स की बात करें तो 3 बेडशीट इसमें फुल साइज की डल सकती है 8 केजी में। ऐसे ही जो स्पीड 14 है इसमें आपके हर तरह के कपड़े जाते हैं, तो मैक्सिमम वेट जो है कपड़ों का वो 2 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें बाकी सब मोड्स की, इन दोनों के अलावा तो इन पे कितने कपड़े डलने चाहिए। 8 केजी की मशीन में आप कपड़े डालेंगे लगभग 40 टी शर्ट्स जो होती हैं उतनी साइज के कपड़े इसमें डलते हैं। साइज मीन्स आप कंपेयर करके देखिए कि 40 टी शर्ट्स अगर हम नॉर्मल साइज की डाल रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट हम कपड़े डाल सकते हैं। मैं लास्ट में एक टिप आपको और जरूर बताऊंगी, क्योंकि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि हम कपड़ों को मेजर करके डालें, कोई भी नहीं डालता मेजर करके। तो मैं आपको लास्ट में एक टिप भी बताने वाली हूं कि आपको किस तरह से देखना है, बिना काउंट किए भी आप कपड़े डाल पाएंगे उसमें। अब बात करते हैं 7 केजी की। 7 केजी में कितने कपड़े डालने हैं आपको? अराउंड 35 टी शर्ट्स, नॉर्मल साइज टी शर्ट्स, उसी के इक्विवेलेंट आपको कपड़े देख लेने हैं। 7.5 केजी में कितना डालेंगे आप? अराउंड 37 to 38 नॉर्मल साइज टी शर्ट्स। 8 केजी मैंने आपको बता दिया। 8.5 केजी अराउंड 43 या 42 नॉर्मल साइज टी शर्ट्स। 9 केजी में कितना डालेगा? अराउंड 45 नॉर्मल साइज टी शर्ट्स। 9.5 केजी में कितने डल जाएंगे? लगभग 48। इसी तरह से 10 केजी की हम बात करें तो 10 केजी में डल जाएंगे अराउंड 50 नॉर्मल साइज टी शर्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े इसमें डालने हैं। आपको केजी के अकॉर्डिंग, अब देखिए नॉर्मल साइज की टी शर्ट से हम मेजर नहीं कर सकते हर कपड़े को, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम सिर्फ टी शर्ट ही डालेंगे। ये मैंने आपको एक साइज का मेजरमेंट दिया है कि लगभग अगर नॉर्मल साइज के कपड़े हैं, लगभग जैसी टी शर्ट होती है हमारी नॉर्मल साइज की, उसके इक्वल में आप कितने कपड़े डाल सकते हैं। बट हर मशीन के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप जब भी कपड़े डालते हैं, हम कई बार काउंट नहीं कर पाते, हमें कपड़े डालने ही पड़ते हैं। आप देखिए मैंने इसमें कपड़े अभी डाले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको टिप बता रही हूं उसमें आपको करना क्या है, आप देखिए आपको देखना है ये, आप इस तरह से मेजर कीजिए, इस तरह से, ठीक है। ये आपका जो थंब है ऊपर अड़ना चाहिए और आपके जो कपड़े हैं वो लगभग इतने ही रहने चाहिए, इससे ऊपर नहीं। इतना स्पेस मशीन को चाहिए काम करने के लिए। तो मैं बताऊं आपको इसमें, ये देखिए ये मेरा थंब पूरा अड़ चुका है और नीचे कपड़े इसी मेजरमेंट तक है, ये देखिए ये, बल्कि थोड़ा सा और मैंने ज्यादा ही छोड़ा है। पर आप इतना छोड़ेंगे, अगर पूरा स्प्रेड कर लीजिए अपने पाम को इस तरह से, तो थंब आपका ऊपर मशीन में अड़ जाना चाहिए और नीचे क्लोथ इतने ही होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे मशीन तो चल जाएगी। मशीन ओवरलोड आपको कब देती है? जब आप इतना सा स्पेस छोड़ते हैं, सिर्फ ये 4 फिंगर्स का जो मैं बता रही हूं, तो इतना अगर आप स्पेस छोड़ेंगे वो ओवरलोड दे देगी आपको। अगर आप इससे कम स्पेस छोड़ते हैं मशीन तो चलेगी, पर प्रॉब्लम कहां आएगी? अब वॉश आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो आपको इतना मेजरमेंट हर मशीन में देख लेना है। आई होप मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व किया होगा। मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा भी था इस बारे में कि कितने कपड़े डलने चाहिए, कौन सी वॉश पे कितने कपड़े डलेंगे, तो उन सभी का जवाब आई थिंक मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तब भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और प्लीज अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये सिर्फ हमारे मोटिवेशन के लिए होता है। आप जब भी हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं हम इससे मोटिवेट होते हैं और अच्छे कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं।
इसीलिए आपको लाइक करने के लिए कहा जाता है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी है, आप जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।